हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग? बढ़िया हो? अच्छे हो? अच्छा सर, हम लोगों ने अच्छा ठीक है, एनीवेज ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोगों ने पहले वाली वीडियो भी देखी हो, है ना? इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करें और थोड़ा सा वेट करें, स्टार्ट करें। ओके, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके ठीक है भाई, गुड टू गो है, गुड टू गो, अपन गुड टू गो। चलो चलो चलते हैं। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने बात करी कि सर ठीक है, अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के बारे में कि ठीक है 30 मार्क्स 30 मिनट्स, 20 मार्क्स 20 मिनट्स। तो ऐसे हिसाब से तो आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है 100 मिनट्स के अंदर आप करा दोगे। नहीं यार, हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। सो पर्टिकुलरली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अंडर कंपनीज एक्ट। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है सर? कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बट हम ना कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखना, ये वाली वीडियो के बारे में जब मैं बात करता हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेनिंग में कैसे हेल्प करता है सर? ट्रेनिंग में ऐसे हेल्प करता है, बहुत बार वो लोग आपको बोलेंगे कि एक बोल्ड रेजोल्यूशन बनाकर दिखाओ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम एस्पेक्ट। पेपर में कोई भी कैसा भी बोल्ड रेजोल्यूशन अगर पूछ लेता है तो उसका बेसिक आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल फॉर्मेट। जैसे हम लोगों ने क्या बात करी थी कुछ पहले की वीडियोस के अंदर, कि मैंने आपको हर एक जगह पर बता दिया कि ये फिक्स फॉर्मेट है, इसको ड्रॉ कर लेना। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, लेटेस्ट से वो 4 मार्क्स का भी आ गया है, अगर आप खाली वही बनाकर भी आ जाते हो, फॉर्मेट के ही 1 से 1.5 नंबर होते हैं यार, 1 से 1.5 मार्क्स फॉर्मेट का ही मिल जाता है। हाँ, लड़कियों को जरूर मिल जाता होगा, क्योंकि लड़कों की जो राइटिंग है वो ऐसे लगती है जैसे पता नहीं कुछ बीच में जैसे टैंगलिंग हो जाती है ना ईयरफोन। अब तो ठीक है, अब तो वायरलेस का जमाना है, पर एक टाइम पे जैसे वो टैंगलिंग हो जाती थी ना, आपका ईयरफोन जो होता है, जो आपकी वायर्स होती है वो साथ में फंस जाती है, ऐसे हैंड राइटिंग है उनकी यार। क्या सर? बोर्ड रेजोल्यूशन, नोटिस, एजेंडा और मिनट्स, एजेंडा और मिनट्स। अब एक बात बताओ जल्दी से, आपके पास बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी शादी में जाना, ठीक है, आपको किसी शादी में जाना, तो वो शादी का कार्ड आता है। हाँ सर, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो शादी का कार्ड आता है, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, दैट इज नोटिस, वो एक नोटिस है। उस शादी में क्या 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 होने वाला है? डोली तारों की छांव में डिनर, है ना, डिनर, और उसके बाद बारात अराइवल, ये सब लिखा होता है। तो दैट इज एजेंडा, कि शादी में होगा क्या क्या, वो एजेंडा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी। कह रहे सर नोटिस और एजेंडा, और उसके बाद वो शादी हो जाएगी, बात खत्म। और उसके बाद हम बहुत टाइम तक उन चीजों को याद रखेंगे, उसे कहते हैं मिनट्स। अरे मैं उसकी शादी में गया था, बड़ा मजा आया यार, तू नहीं आया था यार, तेरे को पता, हमने ये खाया, हमने वो खाया, क्योंकि 100 में से 95% लोग तो खाना खाना ही आते हैं। कह रहे सर नोटिस और एजेंडा। ऐसे ही अगर मान लो कोई मीटिंग है, ठीक है, चलो आप एक काम करो, आप तो स्टूडेंट हो, मुझे एक मीटिंग में बुलाओ, मुझे बोलो कि सर ठीक है आपके साथ एक मीटिंग रखनी है। मैं कहा ठीक है, आ जाऊंगा। मीटिंग में बात क्या करेंगे? ऐसे ही कुछ नहीं बैठेंगे, फालतू की बातें करेंगे। मैं कहा वाह वाह, मैं वाह बेटा वाह। कह रहा नोटिस मतलब बताना, किसी को नोटिस में लाना कि हाँ भैया इस दिन मीटिंग है। एजेंडा में आप वो चीजें लिखते हो कि मीटिंग में होने क्या क्या वाला है। मुकेश अंबानी है, मुक्कू है, जानते हो मुक्कू? हाँ सर मुक्कू है, जानता हूँ सर। जो मुक्कू है, अब बात भी तो समझो, जो मुक्कू है भैया, वो मुक्कू कहेगा ना मेरे को क्यों बुला रहा है, उसका रीजन पर्पस एजेंडा में लिखा जाता है। और एट दी एंड जब आपकी मीटिंग हो जाती है, तो जैसे ये क्लासरूम खत्म हो जाता है, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि साथ में नोट करते रहना, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आई होप आपके पास एक पेन एंड पेपर है जिसके साथ में आप नोट करते रहोगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो चैट बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगली बात पे आते हैं। अब सबसे पहली बात आता है नोटिस। कोई भी नोटिस बनाना हो तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उतनी सी बात का ध्यान रखना, हमेशा एक लेटर हेड कंपनी का होता है, जहां पर नेम ऑफ कंपनी, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसका सिन नंबर, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखा होगा। ये बेटा फिक्स फॉर्मेट है, और वेबसाइट ये होगी ही होगी, ये है हर एक कंपनी के लेटर हेड पे होता है। ओके, कह रहे सर अब नोटिस किसका भेज रहे हो? मैंने कहा बोर्ड मीटिंग का बनाना सिखा रहा हूं, इसी से बता दूंगा आगे चल के कि जनरल मीटिंग का कैसे बनाना है। नोटिस ऑफ जो भी आपकी मीटिंग है, वो बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग, और उसके आगे उसका नंबर डाल देना, AGM 1 या 52nd 53rd जनरल मीटिंग। कह रहा सर अब ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस किसको भेजा जा रहा है? जिस बंदे को भेजा जा रहा है आप उसका नाम लिखेंगे। बोर्ड मीटिंग में और किसी को नहीं बुलाते हैं, बस डायरेक्टर को बुलाते हैं। न्यू दिल्ली, डियर सर, नोटिस हम आपको दे रहे हैं। क्या मेंशन करोगे? सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग, मीटिंग कब कहाँ कैसे। किसी को शादी पे बुला रहे हो तो देखते हैं ना वहां लिखा हुआ या डेट, टाइम, एड्रेस। कह रहा सर अब डे, डेट, मंथ, ईयर, ये तो हो गई डेट। कह रहा है और उसके बाद टाइम,
और वेन्यू, वेन्यू गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, वेन्यू का मतलब है कि कौन सा एड्रेस, कौन सी जगह पर आपको बुलाया जा रहा है। कह रहा ओके सर, नोटिस कभी अकेला नहीं जाएगा, याद रखना नोटिस कभी अकेला नहीं जाएगा। शादी का जो कार्ड होता है उसका जो कवर होता है, ठीक है, नोटिस का काम तो वही कर देगा, उसके अंदर होने क्या क्या वाला है, दैट इज एजेंडा। नोटिस के साथ एजेंडा जरूर जाता है, जरूर जाएगा ही जाएगा एजेंडा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। खैर एनीवेज, नोटिस प्लस एजेंडा बच्चे साथ में जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आएगा, ड्राफ्टिंग के पर्पज से ये काम आता है, ठीक है। कह रहे सर एजेंडा जो भी है वो हमने साथ में एनक्लोज कर दिया है, नोटिस में हमेशा ये लगाएंगे ही लगाएंगे। कह रहा और उसके बाद आप, अगर आपको नोटिस और एजेंडा दोनों बनाने के लिए बोलता है कि आप मीटिंग को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अटेंड कर सकते हो, जो डिटेल्स हैं वो हमने एनक्लोज कर दी हैं, वो भी एजेंडा में लिख दी हैं, और भैया अगर मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से आना चाहते हो तो हमारे को पहले बता देना, ठीक है, हमारे को पहले बता देना। ऐसे नहीं होता है कि हमने कोई लाइव वेबिनार किया, ठीक है भाई लिंक है सब आ जाओ, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टर से पहले ही कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है जो इसको हम कहते हैं कोरम, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, कोरम होगी तभी तो मीटिंग वैलिड होगी, ठीक है। ये चीजें हम नोट करते हैं और उसके बाद सीधा सीधा नेम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन या ऑथोराइज पर्सन, जिसका ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वहां पर दिया जाता है कि भैया आप हमारे को बता देना अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेट इट बी वो स्काइप से करें, वो आई मीन जूम से करें, जिस मर्जी से करें यार। कह रहे सर आप कम से कम हमारे को मीटिंग से 3-4-5 दिन पहले बता देना। कह रहा ओके, कह रहे काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, बस आपके लिए कन्वीनियंट कर देंगे। उसके बाद कंपनी का नाम, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, जिसको भी ऑथोराइज किया गया है ये नोटिस भेजने के लिए, याद रखना ये नोटिस है, ठीक है। अगर यही नोटिस जनरल मीटिंग का होगा तो फंडा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर की कहानी यहां तक सेम रहेगी। नोटिस यहां पर नोटिस आएगा, एजेंडा की जगह जनरल मीटिंग के केस में बच्चे आपके पास नोटिस होगा, नोटिस के साथ आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, इसके साथ आती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस वहां का सेक्शन नंबर 101 में आपने पढ़ा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 102 में पढ़ा है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए है, ये स्पेशल बिजनेस के लिए है। नोटिस बोर्ड मीटिंग का ऐसे ही बनाया जाता है, जब भी याद रहे कि आप किसी भी कंपनी का आप नोटिस बना रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि सर लेटर हेड पे होना चाहिए। ओके, लेटर हेड नहीं है आपके पास तो इस तरीके से हेडर या फुट हेडर को यूज किया जा सकता है। ओके आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि सिन नंबर क्या होता है। बेटा सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। एड्रेस मेंशन करना, वहां पर नहीं मेंशन कर रहे हो तो दैट मींस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही आप मीटिंग कर रहे हो। कह रहा सर अब सबसे पहली बात, अब अगर मेरी फर्स्ट मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो वहां क्या क्या बातें होंगी, ठीक है। बहुत जरूरी है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग शेयर करने वाले हैं। कह रहा सबसे पहली बात सर, कोई भी कंपनी है तो सिंपल सी बात है, मीटिंग अब आप बुलाओगे तो जरूरी नहीं है सब लोग आएंगे। जैसे शादी में जितने लोगों को कार्ड दिया जाता है क्या सब लोग आते हैं, नहीं सर, कुछ आते हैं, कुछ ऐसी हवाबाजी कर जाते हैं। बस टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग सर, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग सर। और उसके बाद चेयरमैन कौन होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई भी मीटिंग को चलाने के लिए कोई एक बंदा होता है जिसको ऑथोराइज किया जाता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे पता है इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना, तो आई एम हैंडलिंग दिस, मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। आप देखते होंगे जब भी ऐसे वेबिनार्स वगैरह चल रहे हैं तो एक जगह पे नाम आता है होस्ट, देखो एक बार कहीं पे पार्टिसिपेंट्स ना करके आता है, वहां पे लिखा होता है होस्ट। होस्ट कौन है, जो इस मीटिंग को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर, जब भी हम लोग लाइव करते हैं, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड में देखते हैं उनके पास तो नहीं आता है ऐसा कुछ। कह रहे सर अब चेयरमैन बना देते हैं, चेयरमैन कौन, जो इसको सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद लीव ऑफ एब्सेंस, ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग छुट्टी मार जाएंगे। कह रहे सर उसके बाद कंपनी नहीं है, पहली बोर्ड मीटिंग है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का टेक नोट करवाओ, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का टेक नोट करवाओ, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है उसका टेक नोट करवाओ। कह रहे सर कंपनी के पहले डायरेक्टर्स कौन है उसको नोट करो, और उसके बाद कोई भी अगर डायरेक्टर कहीं पर भी इंटरेस्टेड है तो उसको टेक नोट करो, अगर उसके अलावा कोई डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो उसको टेक नोट करो। बस टेक नोट ही होते हैं।
अगर आपसे पहली बोर्ड मीटिंग के बारे में पूछता है तो ये बातें लिखनी है। पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इफ इट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो बच्चे इन पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट आपके एजेंडा में आएगा। ठीक है, बिजनेस एजेंडा में होता है, बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। एजेंडा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एजेंडा के अंदर इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी 6 7 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, 4 मार्क्स का पूछता है तो। कह रहा सर अगर कोई मीटिंग है विच इज अदर देन फर्स्ट मीटिंग, कह रहे तो ठीक है, फिर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सर। सबसे पहली बात तो अटेंडेंस ले लेना। जैसे स्कूल में जाते थे तो रोल नंबर के हिसाब से अटेंडेंस होती थी। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर जिम जाते होंगे तो वहां पर भी एक रोल नंबर मिलता है, आपको एंट्री करनी होती है, होता है ना ऐसे कि आपका थंब इंप्रेशन है उससे एंट्री होगी। या बहुत जगह पे फर्स्ट क्लास जगह है तो वहां बंदा बैठा हुआ, ठीक है, वो आपकी एंट्री और एग्जिट नोट कर लेगा। कह रहे अटेंडेंस और मिनट्स, सर ऐसे ही अगर कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है तो उसको लीव ऑफ एब्सेंस दे देना और चेयरमैन को अपॉइंट कर लेना। इस मीटिंग के अंदर पहली नहीं है ये, इस मीटिंग के अंदर पुराने वाली मीटिंग के जो भी मिनट्स हैं उसको टेक नोट कर लेना। अगर कोई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है तो वो देख लेना, कोई कमेटी मीटिंग हुई है तो वो देख लेना, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। आसान वाले हैं ये, आएंगे ही आएंगे। अटेंडेंस के बारे में बात कर सकते हो, डायरेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हो। क्या आपके डायरेक्टर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बताई है कि भैया मैं आपके यहाँ पर डायरेक्टर हूं पर हम बाकी जगहों पर भी हैं। टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स, उनका कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करोगे। कह रहा सर और उसके बाद डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये भी हो सकता है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं, अगर कहीं पर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसकी कंसेंट के बारे में बात कर सकते हैं। क्या आपने किसी नए बंदे को अपॉइंट किया है, किसी नए बंदे को अपॉइंट किया है उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ठीक है, कह रहे सर उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई डायरेक्टर है जिसको बाहर के कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जिसको आप नॉमिनी डायरेक्टर कहते हो। कह रहे डायरेक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बच्चे जो भी मार्क करवा रहा हूं जितना आपको समझ में आए उतना माइंड में रख लो। पेपर के अंदर अगर उसने ही आपको बोल दिया अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पर्सन एज अ डायरेक्टर तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलता तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप पिक करके वहां पे मेंशन कर सकते। ठीक है, एज फार एज आई एम कंसर्न ये चैप्टर नए सिलेबस वाले बच्चों के लिए 30 मार्क्स के आसपास आना चाहिए। 30 नहीं भी आता तो चलो 25 20 तो आना ही चाहिए। कह रहे सर अच्छा अब एक और चीज अगली बात पे आते हैं। बहुत बार डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। अब जिन बच्चों को कैजुअल वैकेंसी ही नहीं पता, डायरेक्टर था उसको कोरोना हो गया, डेथ होगी बेचारे की, आप क्या करोगे, डेथ हो गई अब क्या करें, उसकी जगह दूसरा लेके आओगे। कैजुअल वैकेंसी, रिजाइन कर गया क्या करोगे, कैजुअल वैकेंसी। कह रहे सर बहुत बार कोई भी डायरेक्टर हम लेकर आते हैं उससे पहले उसको एडिशनल डायरेक्टर की फॉर्म में लाया जाता है। आपके घर में कोई भी काम करने आता है आप उसको पहले रखते हो, ठीक है, मान लो सर ने ड्राइवर रखा तो सर उसको पहले रखेंगे 3 4 दिन, चेक करेंगे कि दिखा भाई कैसा काम करता तू, उसके बाद उसको रेगुलराइज करेंगे भैया। ऐसे ही कोई भी डायरेक्टर आएगा तो पहले वो ऐड होगा, उसके बाद देखेंगे कि भैया तेरे को मालिक को दिखाएंगे सही काम करता है या नहीं। जैसे यही सेम काम हुआ था, वो कौन सी मूवी थी यार, चुप चुप के, शाहिद कपूर की एक मूवी आती है जिसको कहते हैं चुप चुप के। कह रहा हाँ पहले ये कपड़ा धोकर दिखाओ फिर अच्छा काम करोगे तो और काम मिलेगा। कह रहा ऐसे ही एडिशनल डायरेक्टर पहले बुलाया जाता है, आप उसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड अपॉइंट करता है, उसके बाद देखते हैं कि भाई शेयर होल्डर के सामने लेकर जाना है या नहीं। खैर एनीवेज उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेकर भी बात हो सकती है, जरूरी नहीं है। अगर पेपर के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, अगर पेपर के अंदर वो आपको मेंशन करके दे रहा है तो वही ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं बिजनेस आइटम्स को आप लेंगे। अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो आप अकॉर्डिंगली चल सकते हो। ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करोगे विच आर इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पर नहीं है। अगर कुछ जगहों पर जरूरत है तो अप्रूवल ऑफ मेंबर्स लोगे। बहुत बार अब अगला आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, नए शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट करना। किसी एक बंदे के पास शेयर्स थे, उसकी बेचारे की कोरोना से डेथ हो गई, मार दो सर मार दो। ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, नाम आगे पीछे करना, ए और बी है, छोटा भीम और चुटकी, चुटकी और छोटा भीम कर दिया मैंने इसको, ट्रांसपोजिशन। सर ये क्यों करते हैं, धत तेरे की, धत तेरे की, ये कोई क्वेश्चन हुआ पूछने का, कमॉन यार ऐसे क्यों होता है बच्चों, जरा मेरे को बताना क्यों होता है ऐसे। अगर मेरे पास दो बंदों के नाम पर शेयर्स हो सकते हैं ना, मैंने ए एंड बी लिखा हुआ है, बी एंड ए कर दिया इसको, ऐसा क्यों करा पता नहीं सर, बी कह रहा होगा मेरा नाम आगे लगा, ओनर दोनों ही है, यहां पर भी दोनों ओनर होते हैं, यहां पे भी दोनों ओनर होते हैं। इस पॉइंट में सारा कम्युनिकेशन ए के साथ होगा, इस पॉइंट में सारा कम्युनिकेशन बी के साथ होगा।
ठीक है, तो शेयर्स को लेकर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि आपने इशू ऑफ कर दिया, ठीक है, सामने वाले बंदे ने शेयर सरेंडर कर दिए और आपने डुप्लीकेट शेयर, उसने बोला शेयर सर्टिफिकेट खो गया है डुप्लीकेट इशू कर दो, और उसके बाद शेयर कैपिटल को लेकर चीजें आ सकती हैं, कॉल कर लिया शेयर्स के लिए, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, बोनस शेयर्स, राइट इशू, ठीक है, कोई नए शेयर्स आपने इशू कर दिए, बायबैक आपने कर दिया, ऐसी बहुत सारी न जाने कितनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं अगली बोर्ड मीटिंग में। अब सर जब एजेंडा बनाओगे तो ध्यान रखना, ये सिर्फ मैंने बताया क्या क्या हो सकता है, अगर कोई भी एजेंडा आप बना रहे हो, कोई भी एजेंडा, तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एजेंडा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कह रहा सर क्या आपकी रूटीन आइटम है, क्या आप डेली बेसिस पर ये काम करते रहते हो? कह रहा सर हाँ, ठीक है, ये अलग हो गया। दूसरा आता है हमारी रूटीन आइटम नहीं है, जैसे कुछ काम है ना जो आपको डेली करने हैं, डेली आप सुबह उठोगे फिर आप एक्सरसाइज करोगे, कहाँ सर, अंत सो के ही 10 बजे उठते हैं। अरे मजे नहीं करो यार, मजे नहीं करो, बहुत लिमिटेड टाइम होता है सर के पास, प्लीज समझो ना बेटा, प्लीज लिमिटेड टाइम है, वरना मजे तो पता ही है तुम लोगों को, मैं ही मजे करता रहता हूँ, तुम लोग क्या मजे करोगे। कह रहा है कि अब सबसे पहली बात, अगर रूटीन आइटम है तो अलग है, और दूसरी आती है कि सर क्या आपने सामने आगे और कहीं पर लेकर जाना है इसको, मैंने कहा मतलब, कह रहा है शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए या टेक नोट कराना है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जब भी आप किसी भी एजेंडा आइटम को लिखेंगे तो ध्यान रखें आपके पास प्रॉपर डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, या तो ठीक है बना भी लोगे चलेगा, ठीक है बना भी लोगे तो चलेगा। कह रहे सर सबसे पहले बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करेंगे आप उस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन को जिस बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लॉ क्या है, कौन सा सेक्शन यहां लगता है उस बारे में बताओगे, क्या डिसीजन आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप ठीक है आपने बुलाया ना कि सर मैं चाहता हूं कि ये वाला अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सो दैट कंपनी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, जो भी है बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह जिसको भी लेकर, और अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो ओके, ठीक है। अब कुछ बना हुआ दिखाता हूं, ठीक है, अब कुछ बना हुआ दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। कह रहा सर देखो ऐसे होता है, सबसे पहले टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ मीटिंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल नंबर कौन सा है, ये हो गया आपके लिए लीगल प्रोविजन, बस ठीक है। कह रहा सर वहां लिखा हुआ है तो डायरेक्टर्स को क्या करना है, एक बंदे को एज अ चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा, कह रहा ओके। ऐसे ही अब अगला आता है टू नोट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, क्यों ये कब हो रहा है, क्योंकि बच्चे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, एजेंडा आपके लिए बहुत बड़ा नहीं बनाना है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में एजेंडा बनाते हैं तो एजेंडा की इतनी सी बात, फिर प्रपोज्ड रेजोल्यूशन भी डालते हैं, ठीक है। कह रहे सर हमारा ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर ये है, डेट ये है, जो हमारे को आरओसी से मिला है, अब इसको हम मीटिंग में प्लेस करते हैं, सब लोग इसको देख लो। ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं तो सर ठीक है ये दो लोग हैं या ये तीन लोग हैं, प्राइवेट कंपनी है तो दो, पब्लिक है तो तीन, ये तीन को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज पर आर्टिकल नंबर दिस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इनके बारे में हमने इंटीमेशन दे दिया, लो भैया सब लोग नोट कर लो, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उस बारे में बताओ, चेयरमैन को अपॉइंट करा, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, तो बताओ बताओ, ठीक है। अगली बात कह रहे सर अब अगर बहुत बार खर्चे हुए होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पहली बोर्ड मीटिंग है ये, बच्चे याद रखना, आज मैं जानता हूं मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, आज डबल से भी ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, पर यार टाइम कम है ना। कह रहे सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो खर्चे पहले हुए थे उन खर्चों को भी तो अप्रूव करवाना है, तो उसकी स्टेटमेंट आप सामने रखेंगे, ठीक है, और अप्रूव करवाएंगे, इसलिए यहां पर लिखा है टू अप्रूव। और उसके बाद जब भी हम कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट किसी को देंगे तो उसको प्रिंट करवा के पहले रखेंगे ना, आप में अगर कोई बच्चा कहता है कि सर बुक चाहिए मेरे को हार्ड कॉपी, तो सर क्या बोलेंगे, बेटा रुक जा अभी प्रिंट करवा रहे हैं, रुक जा बेटा प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करवा के फिर देंगे तेरे को, नहीं यार, ठीक है। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का प्लान, सिंपल, ओके। कह रहे सर ऐसे ही जो खर्चे आपने यहां पर करे हैं, ठीक है, आपने खर्चे कर दिए ना इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो ऐसे ही आपने कोई ना कोई एग्रीमेंट भी किया होगा इनकॉर्पोरेशन से पहले, मैंने कहा बिल्कुल। कह रहे बस उसको भी टू बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
आगे चलते हैं सर, अगली बात पे आते हैं। अब कंपनी कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हूं, सर हर एक इंसान को काम करने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत तो पड़ती है ना। पैसे कहाँ आएंगे बैंक अकाउंट में? आप लोग पे करोगे कहाँ आएंगे बैंक अकाउंट में? तो कंपनी का भी बैंक अकाउंट खोलना है। डायरेक्टर अगर हमारे पास आएगा, डायरेक्टर अगर हमारे पास आएगा तो वो कोई भी काम बोलेगा यार, वो काम भी तो करना है, टू डिसाइड द पेमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ फीस। अब वो डायरेक्टर आएगा तो फ्री में तो नहीं आएगा, उसको बैठने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। आइए सर बैठिए, आपका वैल्यूएबल ओपिनियन दीजिए, ठीक है? तो बैठने के लिए पैसे मिलेंगे, वो सिटिंग फीस डिसाइड करते हैं। और ये हमेशा से ही लिखना है कि और कोई मैटर जो भी हमारे को चेयरमैन कहता है, और कोई चेयरमैन कहता है, जैसे वेबिनार चल रहा है, ठीक है, बीच में चेयरमैन ने कोई बात कही, उन्होंने बोला कि यार ये मैटर को डिस्कस कर दो, हाँ तो ठीक है, मना थोड़ी करेंगे यार, लेबर आदमी है, काम मना करेंगे सर, लेबर आदमी है, हाँ यार चलो ठीक है, टीचर है, काम मना करेंगे, समझ रहे हो इस बात को? एनी अदर मैटर कोई भी बात की जा सकती है, जरूरी नहीं है आपको 17 के 17 आते हो, कोई 10 भी आते हो तो भी बहुत है, बस इतना याद रखना। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बहुत है। अगर कहीं पे बड़ा बोलता है प्रोविजन ऑफ लॉ और बैकग्राउंड, इतना एक्सप्लेन कर दो, कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो उसके बारे में बता दो बस। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में आती है वो है मिनट्स। मिनट्स कब? जो हो चुका है पहले, जो हो चुका है इसको मार्क कर डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ चिंगा लाला, याद रखना। अब जल्दी से आने वाले अगले 5-7 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड करें, ठीक है? कह रहे सर सबसे पहले देखो ये आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बना रहे हो आप, जनरल मीटिंग के भी ऐसे ही बनाओगे, बस प्रेजेंट और अटेंडेंस को छोड़ देना, ठीक है? मिनट्स बना रहा हूं तो पहले बोर्ड मीटिंग के बारे में बताऊंगा, कंपनी का नाम, मिनट्स हो चुका है, जो हो चुका है, जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिखते हो ना कि हाँ आज की डेट ये, टॉपिक ये, ठीक है, ये पढ़ाया था सर ने, तो ऐसे ही बस ऐसे ही आज की डेट, कंपनी का नाम, कंपनी की मीटिंग कहां पर हुई और कब शुरू हुई कब खत्म हुई। बच्चा एक था मेरी क्लास में, वो लिखता था कब शुरू हुई क्लास कब खत्म हुई, ठीक है? तो कह रहा है सर देखो ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले कंपनी का नाम यहां पर मेंशन करेंगे, उसके बाद डेट, मंथ, ईयर, और उसके बाद वेन्यू जहां पर भी मीटिंग हुई है, उसके बाद टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कब आपकी मीटिंग शुरू हुई और कब जाकर खत्म होगी। ओके सर, ओके चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। याद रखना ये हर एक बोर्ड मीटिंग के अंदर लिखना है, जब भी बोर्ड मीटिंग नाम का वर्ड दिखे वो बोले मिनट बनाना है, तो बस इस जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं, अच्छा ठीक है, कहीं यही मत लिख देना कि मिनट्स ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी बोर्ड मीटिंग का उसने बोला है ये मेंशन करेंगे, जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ बेटा दैट इज गोइंग टू बी कॉमन इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और यू कैन से एनी अदर सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, उसके मिनट्स बना रहे हो तो ध्यान रखना। सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कौन कौन से डायरेक्टर्स आपके आए हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख देंगे। सर हमारे को पता ही नहीं, बेटा आप एबीसीडी भी लिख सकते हो, लिखे दिए हुए नाम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हुए तो एबीसीडी लिख देना, और इन द चेयर मीन्स चेयरपर्सन, याद रखना यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ चेयरपर्सन और यहाँ मेंशन किया हुआ चेयरपर्सन शुड बी सेम, ठीक है? यहाँ देखो चेयरमैन जो आपने इलेक्ट करा है बेटा इस मीटिंग का, वही चेयरपर्सन ऊपर बनेगा। ओके अब सर ये इन अटेंडेंस क्यों है? इन अटेंडेंस का मतलब है ऐसे लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है पर मीटिंग में प्रेजेंट है। अगर वो आपको बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ या कोई और टेक्निकल बंदा, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है, तो उनके लिए हम मेंशन करते हैं इन अटेंडेंस। याद रखना फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू योर ट्रेनिंग एंड योर जॉब और वॉट एवर, आई मीन आप जॉब में इसको करना चाहो, ठीक है, वैसे तो जॉब में ही करोगे यार, प्रैक्टिस जो भी लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे उनके कंपनी ये थोड़ी दे देगी यार, ये नहीं देगी करने को। चलो खैर, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो भी पूछ लेता, ठीक है पूछ लेगा, फालतू की चीज अगर बच्चों वाली चीज है बट पूछ लिया तो। कह रहे सर अगली बात कोरम, कोरम बहुत जरूरी है, ठीक है, कोरम बहुत जरूरी है, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे साफ साफ दैट द रिक्विजिट रिक्वायर्ड कोरम वाज प्रेजेंट। बेटा ये मत लिख देना गलती से भी कि कोरम थी ही नहीं, मीटिंग ही इनवैलिड हो जाएगी। अगला आता है लीव ऑफ एब्सेंस। अब एक बच्चे ने के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर तो ये लिख दिया, जो जो आया जो नहीं आया वो, तो जो लीव ऑफ एब्सेंस वही तो दे रहे हैं आप। स्कूल में आपको छुट्टी लेनी होती थी तो आप क्या करते थे, आप लीव एप्लीकेशन लगाते थे, बस वही लीव एप्लीकेशन यहाँ पर लगानी है। कह रहे सर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो आपको पता है इनमें से कोई भी मैटर, कोई भी मैटर आप सिलेक्ट कर सकते हो,
जो आपको पसंद आए वो वाला उठा लेना साथ में से, ठीक है। इतने सारे हैं, जो मर्जी पिक कर लेना यार, कह रहा है। और अगर सब्सीक्वेंट है, उसके बाद वाली कोई भी मीटिंग है, तो ये इसमें से कुछ भी उठाया जा सकता है, ठीक है। ये तो शुरू वाले के लिए था, ये शुरू वाले के लिए था, और बाद वाले के लिए इनमें से कोई भी मैटर्स जो आपको आसान लगे आप पिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमने कौन से करें, ठीक है। लीव ऑफ एब्सेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसका हम क्या करते हैं, टेक नोट करते हैं कि बोर्ड को हमने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, और हमने डायरेक्टर्स ने हमारे नोट कर लिया है। कह रहे ऐसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स को नोट करवा रहे हैं। अपॉइंट हमने कर लिए हैं, अपॉइंट हमने कर लिए हैं, ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। नोटिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमने नोट करवा दिया। कह रहा ठीक है सर, अब ध्यान देना, क्योंकि अब आ रही है रेजोल्यूशन की बारी। कोई भी रेजोल्यूशन कभी भी बनाना होता है तो उसमें हम करते क्या है, पहले एक रामबाण इलाज सीख लो बेटा। कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन अगर आपको पेपर में बनाने के लिए दे देता है, तो रेजोल्यूशन क्या है, जो आपने रिजोल्व करा, जो आपने फाइनल करा, आप उसको शुरू करते हैं रिजॉल्व दैट, ठीक है। यहां पर सबसे पहले जो चीज चाहिए आपको, दैट इज द कंसर्न लीगल प्रोविजन। जो भी सेक्शन, जो भी आप कह सकते हो, जिस भी एक्ट के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, दैट पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर दिस, अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर इज कंफर्म, या दिस पर्सन इज हेयरबाय अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दिस पर्सन इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, इस बंदे को हमने ऑडिटर रख लिया, ठीक है, इस कंपनी के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाना है। कह रहा सर लीगल प्रोविजन, और उसके बाद में हम लिखते हैं सेकेंड पैराग्राफ के अंदर पर्पस, फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है सर। अब आप काम की बात बता रहे हो बिल्कुल एंड में आने के बाद, फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है, ठीक है सर। ये अगला पैराग्राफ हो जाएगा, बिल्कुल। लीगल प्रोविजन पहले, अभी दिखाऊंगा कैसे लिखा हुआ है, देन पर्पस, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिजॉल्व दैट। अब एक बात बताओ, कंपनी से सेपरेट, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना कंपनी, एक काम कोई भी खुद तो नहीं कर सकती है। आपने देखा हो रिलायंस को हो गया जी कोरोना, पतंजलि को हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, है तो जरूर पर आपने देखा नहीं है। भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और कंपनी किसी ने नहीं देखी है। कह रहा सर अब यहां पर आप देते हो ऑथोराइजेशन। अब अगर रिलायंस कंपनी को कोई जगह खरीदनी है, तो रिलायंस खुद थोड़ी चल के जाएगा, उसके बिहाफ पर किसी को जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो काम करने के लिए आप किसे ऑथोराइज कर रहे हैं, पर्पस और लीगल प्रोविजन, ठीक है। इन तीन बातों का ध्यान रखना और देखना, हर एक रेजोल्यूशन के अंदर आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। कह रहे सर अब देखो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कह रहे आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो। सर मुझे सेक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिख देना बहुत है। अब बेटा ये मिनट्स हैं, ध्यान रखना, मिनट्स के अंदर जब भी रेजोल्यूशन पास होगा तो एक बंदा प्रपोज करेगा, ठीक है। कह रहे अब एक बंदा प्रपोज करता है कि सर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, तो चेयरमैन ने प्रपोज किया मिस्टर एक्स, उसका डिन नंबर ये, मिस्टर वाई, उसका डिन नंबर ये, कि भैया इनको एज एन एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर लेते हैं एज पर सेक्शन नंबर 161, और ब्रीफ ब्रीफ प्रोफाइल्स को अलोंग विद कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स वर प्रेजेंटेड, उसको सामने प्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ पे देखो लिखा है वर टेबल्ड, उसको हमने टेबल पे रख दिया, ठीक है, ओके। कह रहा सर अब अगली बात ध्यान से सुनना, ये तो मैंने बताया बैकग्राउंड, ये वो फंडा है बहुत इजी, जिसको आप एजेंडा से कॉपी कर सकते हो, एजेंडा से कॉपी कर सकते हो। बेटा ध्यान देना, अब कुछ इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड 2-4-5-7 मिनट में भी हो सकता है फालतू हो जाए, बट दिस इज रियली गोइंग टू बी वर्थ। क्या करना है, सबसे पहले रिजॉल्व दैट, परसुएंट टू जो भी आपका लीगल प्रोविजन है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इतना पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इतना लिख देना। उसके बाद आर्टिकल नंबर लिख देना, जहां जहां पर लिखा होता है, जहां जहां पर आर्टिकल की जरूरत होती है, एंड एनी अदर आर्टिकल प्रोविजंस रेड विद आर्टिकल नंबर दिस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कह रहे सर अब हमने क्या किया, क्या है किया, क्या है पर्पस, क्या है इस रेजोल्यूशन का, इस इंसान को इज हेयर बाय अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। अब हमने इसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है जी, बोर्ड मीटिंग है याद रखना, गड़बड़ नहीं करनी है, मैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग का ही बता रहा हूँ, जनरल मीटिंग का कुछ नहीं बता रहा हूं मैं।
रिजॉल्व फर्दर दैट, अब ये फॉर्मेलिटीज कौन करेगा, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी इज और हेयर बाय ऑथोराइज टू साइन एंड फाइल ऑल नेसेसरी फॉर्म्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी की सारी करने के लिए आपने किसी को ऑथोराइज कर देना है। लीगल प्रोविजन क्या कर रहे हो इस रेजोल्यूशन में, और नीचे ऑथोराइजेशन। अब नीचे वाला तो सेम ऐसा है ही, अगला दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो सर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड को अपॉइंट कर रहे हो। द बोर्ड ने आफ्टर डिस्कशन डिसाइडेड दैट ये बंदा भी चेयरमैन होना चाहिए और ये चेयरमैन ऑफ ऑल मीटिंग्स रहेगा। बार बार अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, हर एक मीटिंग का चेयरमैन यही हो गया। एज ऑल्सो फॉर जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ने कहा ठीक है भैया, और इस बंदे को, दूसरे बंदे को वाइस चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं। कह रहा ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लीगल प्रोविजन तो है नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं। अंटिल अदरवाइज डिसाइडेड बाय बोर्ड, इस इंसान को क्या कर रहे हो, मिस्टर एक्स बी एंड इज हेयर बाय इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। किसी इंसान को चेयरमैन बनाते हैं तो क्या कोई फॉर्म फाइल होता है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही आपने, इसलिए कह रहा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मिस्टर ये वाला बी एंड इज हेयर बाय इलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ओके सर, ठीक है। अब देखो फिर से आगे चल रहे हैं। यहां पर मैंने बताया था रेफरेंस, बोर्ड ने अप्रूव किया, ये वाला पार्ट आपको एजेंडा में मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा एजेंडा में से लेना पड़ता है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या है बताओ। जैसे यहां पर आपने ये डिस्कशन वाली बात करी, पहले डिस्कशन फिर रेजोल्यूशन, डिस्कशन रेजोल्यूशन। ओके, अगली बात देखो, ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो भी ऐसा ही होगा। चेयरमैन ने बताया कि सर पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना होता है 30 डेज के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो इसीलिए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी फर्म का नाम लिख दिया, उन्होंने हमारे को अप्रोच किया था कि हमारे को ऑडिटर रख लो, कह रहा ठीक है, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी और हमने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया। बेटा ये हो चुका है, जो होना था हो चुका है, मिनट्स हैं, क्लासरूम के बाद की बात हो रही है। रिजॉल्व दैट, ठीक है, जो भी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेसर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बी एंड आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज लीगल प्रोविजन, ठीक है, टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम डेट ऑफ दिस मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इनको अपॉइंट कर लिया, क्या कर रहे हो उसके अंदर सर, ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, कर दिया जी, शाबाश। कह रहे सर अब इसके बाद क्या करोगे, ऑथोराइज करोगे किसी को, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ही ऑथोराइज करना, बी एंड इज एयर बाय ऑथोराइज टू मेक ऑल द नेसेसरी फाइलिंग्स विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और द लीगल अथॉरिटीज। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, लीगल प्रोविजन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्या कर रहे हो रेजोल्यूशन में, और तीसरा ऑथोराइजेशन, ठीक है। कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। फिर से अपॉइंटमेंट की बात आ गई, देखो पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, है ना। कह रहा सर मिस्टर ये वाले बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। कह रहा ठीक है, कह रहा और उसकी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जब आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो आपको मिलेगा एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक ऑफर लेटर। हाँ सर, और उस ऑफर लेटर को हमने सबके सामने रख दिया कि देख लो भैया ये जो सीईओ है इसकी ये सैलरी है। सर हमारी सैलरी सबको बता देंगे, बनो तो पहले सीईओ बनो तो, सर को याद रखना फिर, ठीक है। कह रहे सर रिजॉल्व फर्दर दैट, बेटा पहले वाले में सिर्फ रिजॉल्व, अगले वाले में और हमने आगे क्या रिजॉल्व किया कि सीईओ की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे उसके एग्रीमेंट और अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दे दिए। और उसके बाद ऑथोराइज किसको कर रहे हो फाइलिंग करने के लिए। अब कंपनी के बिहाफ पर अगर आपने सीईओ को अपॉइंट कर लिया, आपने कहा ये हमारा सीईओ है, तो उसका एग्रीमेंट किसके साथ करोगे, कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन करेगा। बस दो चार मिनट और बच्चे, दो चार मिनट और, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेशन बहुत लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, ऐसे ही सीएफओ अपॉइंट होता है। अगली बात जो मुझे करनी है आपके साथ, विच इज इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, और जब कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर रही है या कहीं से कोई लोन ले रही है, तो सबसे पहले क्या है, डिस्कशन क्या हुई, चेयरमैन ने इन्फॉर्म किया। सर चेयरमैन ही क्यों इन्फॉर्म करता है, क्योंकि मीटिंग का चार्ज सारा इसके पास है, कि इट इज प्रपोज टू ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द कंपनी, कौन से बैंक के पास, आप कोई भी लिख सकते हो। तो उसके बाद बोर्ड ने एग्री करा कि ठीक है भैया ये रेजोल्यूशन पास करते हैं। फिर से देखना, फिर से बता रहा हूं, अब यहां पर कोई भी लीगल प्रोविजन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या करना है, और ऑथराइजेशन। लीगल प्रोविजन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, क्या कर रहे हो इसके अंदर, और अगला ऑथराइजेशन। देखो ये यस,
कह रहे सर एक करंट अकाउंट बी ओपन इन नेम ऑफ दिस लिमिटेड विद ये वाला बैंक, और बैंक को हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जितने हमारे चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, जो भी ऑर्डर हैं जो कंपनी के बिहाफ पर हो या कंपनी जो जिनको बनाती है, ड्रॉ करती है, एक्सेप्ट करती है, या जैसे भी इंस्ट्रक्शंस देती हैं उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी। कह रहा है और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स ऑफिसर्स जॉइंटली नेमली, दो डायरेक्टर का नाम लिख देना बस, CFO कंपनी सेक्रेटरी जो आपने लिखना हो लिख देना, जो आपका मन करे कंपनी सेक्रेटरी लिख देना, आप बनने वाले हो यार अपना नाम लिख देना वहां पे। इनको ऑथराइज किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये हर एक चेक पर इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर सकते हैं, ठीक है, ये सिग्नेटरीज हैं और अगर इन्होंने साइन कर दिया तो इट शैल बाइंड द कंपनी। एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, एक बच्चा क्या कहता है जी, बच्चा कहता है सर ये लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है ये लैंग्वेज, क्या ऐसी लिखूं, आसान लिख लोगे, जितनी आसान लिख पाओ उतनी आसान लिखता है। और बोलो आपको मैंने फंडा बता दिया है सर, यहाँ पे रिजॉल्व फर्दर दैट करके अगले में ऑथराइजेशन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। कह रहा सर अब देखो ऐसे ही अगला क्या है, प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, आपने रिजॉल्व किया कि इतने इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी उसको प्रिंट करवाना है और फॉर्मेट जो है वो हमने मीटिंग में रख दिया है, चेयरमैन ने उसको साइन कर दिया है और सर्टिफिकेट्स का सीरियल नंबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट्स के ऊपर इनको किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, ऑथोराइजेशन लिख देना तो भी कोई बात नहीं, दिस पर्सन इज ऑथोराइज टू टेक केयर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, ओके। किसी को शेयर्स देने हैं तो शेयर्स कौन से देने हैं, कहाँ से कहाँ तक देने हैं, ठीक है, बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया, सेक्शन पता है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। लीगल प्रोविजन फिर से बता रहा हूँ, लीगल प्रोविजन लिखना है सबसे पहले और उसके बाद ऑथराइजेशन, ठीक है। लीगल प्रोविजन आपके रेजोल्यूशन में क्या हुआ, फिर ऑथराइजेशन। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, एक पॉइंट और था एक्सप्लेन करने के लिए बट इट्स ओके। जहां पर भी बोर्ड मीटिंग के बारे में आपसे वो बात कर लेता है, जहां भी बात करे, चाहे वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, चाहे सेकेंड बोर्ड मीटिंग है, चाहे वो 100th ही क्यों ना बोले, अगली बोर्ड मीटिंग का एक पॉइंट बना देना सबसे आसान, ठीक है, सबसे आसान एक मीटिंग का पॉइंट यहां पर बना देना कि हमने इट वाज डिसाइडेड कि हम अगली बोर्ड मीटिंग करेंगे, ये हमारा टाइम होगा इस दिन पे और ये वाली डेट मंथ ईयर जो भी आपका होगा और इस वेन्यू का। सर कल को चेंज हो गई तो बेटा आपने तो पेपर देना है ना, रियलिटी में नहीं लिखते हैं ऐसा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा होता है, रियलिटी में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट तो आता ही नहीं है ना, ठीक है। सर की तरफ थोड़ी है कि आज बोल दिया ठीक है भैया कल फिर मिलेंगे, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, ऐसे जरूरी थोड़ी है। कह रहे और उसके बाद मीटिंग कंक्लूड हो गई, जो बच्चे ऐसे रट्टा मार के समझते हैं नो अदर बिजनेस इसके बाद नहीं था, मीटिंग कंक्लूड हो गई विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, प्लेस डेट और यहाँ पर चेयरमैन जो भी है उसका डिन नंबर डालकर यहाँ पर साइन कर देना, जो भी उसके साइन, ठीक है, अपना नाम मत लिखने बैठ जाना। कुछ चीजें हैं जो फॉर्मेट का पार्ट हैं, पॉइंट नंबर 22, पॉइंट नंबर 23 हमेशा होता ही होता है बच्चे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इनिशियली किसी ना किसी बंदे का अपॉइंटमेंट भी होगा ही होगा, चेयरमैन की बात, कोरम की बात, लीव ऑफ एब्सेंस की बात, ये भी हमेशा होगी ही होगी, यहां पर कौन प्रेजेंट था, कौन इन अटेंडेंस था, ये भी होगा ही होगा। तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन यू आर गोइंग टू फाइंड दीस थिंग्स, चाहे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है और लेट इट बी एनी अदर सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, हर एक पॉइंट के अंदर ये वाली, हर एक बात पे, हर एक मिनट्स के अंदर ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, ये आगे वाला फॉर्मेट और लास्ट के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये तो हर जगह आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन लेना चाहते हो, अगर उसने आप पे छोड़ दिया तीन बंदों को अपॉइंट कर देना, बस याद रखना कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर थोड़ा सा अलग होता है तो टेक नोट करवा लेना, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये जो बताया ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का है तो आप टेक नोट करवा लेना बहुत सारी चीजों का, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस, फर्स्ट डायरेक्टर्स, बस इसका टेक नोट करवा लिया बहुत है, ठीक है। उस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या होता है और बाद वाली में क्या होता है। बहुत बार क्या होता है आप जो बाद वाली है, ठीक है, जैसे ये इंटरिम डिविडेंड वाला, ये भी बता दूं बहुत लंबा हो जाएगा, देखो खैर कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट की फिर से ओपनिंग हो रही है आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, और ये शेयर ट्रांसफर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये भी चेक किया जा सकता है। अगर स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, रुको रुको स्क्रीनशॉट ले लो,
यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो यहाँ पे ही ले लो, देख लेना, पढ़ लेना, जो आपको बताया है वैसा ही मिलेगा यहाँ पर। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी क्लिक कर लो। बस आज बहुत सारी पढ़ाई हो गई, बहुत सारा हो गया, इतना होता नहीं है जनरली हमारे लाइव सेशन में। अगर हाँ पहले ही छुट्टी कर देते हैं बस, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स नाउ प्लीज बता सकते हो। बोलो भाई, चलो ठीक है, बस वी आर डन फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, चलो बाय।